भाई आगे बढ़े उससे पहले कुमकुम भाग्य में क्या नई साजिश रची जा रही है। कभी कोई किडनैप होता है, कभी कुछ और हो जाता है। आइए देख लीजिए एक नजर। कैसी है पूर्वी? बहुत ठीक है ना, उसे होश आया। प्लीज बताइए ना, बताइए ना कैसी है वो। इसे कहते हैं कार्मिक कनेक्शन, जो पूर्वी और आरवी का है। पूर्वी को जिंदा गाड़ दिया गया था, उसकी जान को बचाना नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जिस इंसान को आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसकी सांसें कहीं न कहीं ये बता देती है कि अभी मैं जिंदा हूँ। ताबूत में थी, अब बाहर निकल के वो परेशान कर रही है, तो बेहोश थी पूर्वी। फिर उसके बाद हमने उसे निकाला, बहुत बारिश हो रही थी और हमें समझ भी नहीं आता कि एक्चुअली किस में गाड़ा गया उसे। तो जब उसकी बैंगल मिली तो उसे पता चला कि वो उसके अंदर है, तो हमने उसे बाहर निकाला। फिर उसे हॉस्पिटल में लेके आए, अभी हॉस्पिटल का हम सीन कर रहे हैं जिसमें अभी तक बेहोशी है पूर्वी। तो अब देखते आगे क्या होता है, फैमिली भी आ गई है। फिलहाल पूर्वी अब खतरे से बाहर है। परिवार वाले भी यहाँ आए हैं और सब यही सोच रहे हैं कि इतनी गिरी हुई हरकत आखिर पूर्वी के साथ कौन कर सकता है। कब्रिस्तान में पूर्वी जमीन में दफन थी। सही, इतना घिनौना काम, इतना ब्रूटल काम कौन कर सकता है। क्या पता अभी वो हरकत कौन कर सकता है, लेकिन जिसने भी किया है वो बहुत बड़ा शैतान है यार। ये सारे लोग ही पीछे पड़े हुए हैं, काफ़ी एक टोली बनती जा रही है आहिस्ते आहिस्ते। शुरू में मल्होत्रा फैमिली के पीछे खुशी थी जब हमारी फैमिली स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद चीज़ें बढ़ती गई, मोनिशा, फिर साहिल, फिर जस्सी, फिर एक टोली बन गई है। तो इसी टोली में से ही कोई एक होगा शैतान खबीस। ताई जी से लेकर पूर्वी के सास ससुर ये सब जानना चाहते हैं कि आखिर वो है कौन। वहीं अगर आरवी की बात करें तो आरवी के लिए अभी सबसे जरूरी ये है कि पूर्वी की जान कैसे बचाई जाए। दुश्मन कौन है उससे तो बाद में निपट ही लिया जाएगा। न जाने किसकी दुआओं में शामिल हूँ मैं डूबने लगता हूँ, समंदर उछालता है मुझे। तो पूर्वी में जब जब कोई क्लाइमेटी आती है ऐसी मदद आती है कि मतलब निकल ही आती है वहाँ से। तो दुआएं बहुत शामिल है, बहुत प्रार्थना है इसकी। कुमकुम भाग्य का वो वाला सीन जहाँ पर सारे विलन इकट्ठा हो गए थे, सबने मिलकर पूर्वी को जिंदा ताबूत में गाड़ दिया था। इस सीन को करने के पीछे बहुत मेहनत लगी है। पूर्वी एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। इसी के साथ अगर राजवंश की बात करें तो उन्होंने भी जो इमोशन इस किरदार में डाला है वो भी काबिले तारीफ था। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सीन तो बहुत ही अच्छा शूट हुआ था। अब देखते हैं कि टीआरपी कैसे आती है। जितनी तारीफ की जाए पूर्वी की, हमारी रांची शर्मा की, ओ इसी बात पे रांची भी आ गई है, तो इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए इन्होंने क्या कमाल किया है। रांची की जुबानी रांची की कहानी, रांची की जुबानी। बहुत मेहनत किया है गाइज, इनफैक्ट पूरी टीम ने किया है, एंड आई होप आउटकम बहुत ही अच्छा आएगा। सो वही है, साहिल है, साहिल और जस्सी मोनिशा सब मिलके पूर्वी के पीछे पड़े हैं बेचारी बच्ची के, बट कोई जीत नहीं पा रहा, कोई जीत नहीं पा रहा पूर्वी से। तो वही पूर्वी को पूरा उसको जिंदा गाड़ देते हैं, बट आई थिंक आरवी और ये लोग आके पूर्वी को बचा लेते हैं। तो अब पूर्वी हॉस्पिटल में है और पूरी फैमिली उससे मिले हैं क्योंकि सब घबरा गए थे कहीं ना कहीं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, कहानी तो ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि जस्सी साहिल अभी भी पूर्वी के पीछे पड़े हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और हाँ, जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि जल्द ही कुमकुम भाग्य में करवा चौथ शुरू होने वाला है, यानी कि वहाँ पर भी ड्रामा होगा, इसकी पक्की गारंटी है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।